मैं देवयानी और आप सबको देवयानी का प्यार भरा नमस्कार। कुछ हेल्थ की बातें लेकर मैं देवयानी आपके साथ आपके पास। आज हम बात करेंगे सोने से पहले आपके बच्चे का फोकस किताब पढ़ने में हो इस बारे में। लेकिन शुरू करने से पहले लाइफ हाउस को एक बिग वाला थैंक यू मेरी आवाज आप तक पहुंचाने के लिए। आपके बच्चों का फोकस अगर किताब पढ़ने में हो तो इससे उसे फायदा तो होता ही है, साथ ही साथ परिवार और समाज को भी फायदा होता है, क्योंकि यही बच्चे हमारा भविष्य है। किताब पढ़ने से आपके बच्चे सही तरीके से पारिवारिक बनता है। भाषा और किताब दोनों का वैल्यू उसे समझ में आता है। सोचने की क्षमता में वृद्धि होती है। दिमाग तेज और जिज्ञासु बनता है। आपके बच्चे का सुनने और समझने की क्षमता बढ़ता है। स्टोरी बुक रीड करने से बच्चे का दिमाग सही और पॉजिटिव ढंग से डेवलप होता है। बच्चा जो कहानी पढ़ता है उसका चरित्र उसके दोस्त बन जाते हैं और वो उसके बारे में और ज्यादा सोचने लगता है। इससे उसे मानसिक प्रोत्साहन मिलता है। ज्ञान और शब्द भंडार बढ़ता है। स्मृति शक्ति और चिंता शक्ति मजबूत होता है। फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है। लिखने की प्रतिभा में भी विकास होता है। यही आदत सोने से पहले डलवानी चाहिए, क्योंकि सोने से पहले बच्चा बिल्कुल फ्री माइंड में रहता है, खुश रहता है। पढ़ने के लिए बच्चों को अपनी पसंद की कहानी चुनने दीजिए और अपनी मर्जी से किताब को कहीं भी ले जाकर पढ़ने दीजिए, क्योंकि यही उसके मूड को रिलैक्स करेगा। सोने से पहले कहानी पढ़ने का भी कुछ अलग फायदा है। जैसे उसकी कल्पना में विकास होता है, एक बॉन्डिंग तैयार होता है, कंसंट्रेशन की सुविधा होती है, क्योंकि उस वक्त उसे कुछ करना और है नहीं, एक आदत बन जाता है ये धीरे धीरे। तो अपने बच्चों की मानसिक और अंदरूनी विकास के लिए उसे ये आदत जरूर डलवाइए। आज के लिए बस इतना ही। हमें आपके हर क्वेश्चंस और कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए मेरे और लाइफ हाउस की तरफ से जय हिंद। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।